अब जा रहा हूँ मैं करोल बाग अपने ये बाइक का हेड दोस्त चेंज। नहीं लेमिनेशन नहीं करानी है, एडजस्ट चेंज कराना था बस। ये भैया ने मुझे दिखाए हैं 4-5 एडजस्ट दिखाए हैं। दूसरा घर साउंड दिखाना, किसका दिखा? बहुत फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता क्योंकि ये लास्ट ईयर है इसी को। अब इन दोनों में से एक का सुना दो, इसका या इसका, इन दो ये सुना दो, इन दोनों में से ये वाला रेस मत दियो एक बार, जब स्टार्ट करके छोड़ी हो ठीक है। लो लेटर लो, पता नहीं। और वो रेस अपने बाद तीसरे चौथे गियर पे जाएगी तो अपना बहुत हो जाना। ये भी सुन लो, ये नहीं सुने ना? नहीं ये नहीं सुना लगा। आधा कपड़ा लगा के और पैक कर दे, ये वाला लगाना, इस पे आधा कपड़ा लगा के पैक कर दे। स्टार्ट कर।
अभी दूसरा एक दोष लगते हुए बाइक में, पहला ये वाला लगाया था नीला वाला जो दिख रहा है आपको, दूसरा लगेगा वो ब्लैक वाला जो बाइक के पैर के पास है ये वाला। तो फैजल वो तो उठा ले पीछे से, वैसे पड़ा हुआ है। चला के देखने भाई, नहीं आ रहा है भैया आवाज। आवाज सही है दोनों में, ये सेम ही लग रही है, सेम लग रही है। एडजस्ट बदलवाना का फायदा इन एडजस्ट पे वो सुनना है जो ज्यादा लाउड होते हैं ना उन पे चलाने साउंड में है। लाउड जब होगा ज्यादा भाई, जब ये तुम ढोलकी निकलवाओगे तो उस पर तो चलाना है ना, फिर पता नहीं चलेगा गाड़ी चलेगी। फाइनली भैया ने एडजस्ट लगा दिया मेरी बाइक में और ये फाइनल पे हैं हम। फाइनल यहाँ पे आने के लिए किसी को लगवाना कम से कम 2-2.5 घंटे देने पड़ेंगे हैं बाइक को, ये 2-2.5 घंटे देने पड़ेंगे। देखो आपको ये तो है नहीं कि कौन सा पसंद आया, साथ ही साथ लग गया वही तो। अब आप साउंड सुनोगे, फिटिंग बनेगी, कौन सा पसंद आ रहा है आप ये थोड़ा सा टाइम दोगे। हाँ तो यूट्यूब पे साउंड सिलेंसर का सुन के और आधे घंटे में लगवा के घर जाओ, मगर फिर बंदा सुन के आएगा वो अपने रेट पता करके आएगा, फिर यहाँ उसे उससे कम मिलेगा कुछ नहीं पता ना। कुछ भी हो सकता है। ये करोलो आ गए भाई, देखेंगे जी बॉडी जी 8 नंबर वाले टाइट हैं सर, आपकी तसल्ली के लिए दोबारा रिपीट पे हम जाते हैं। हमें 2.5 घंटा हो गया ना यहाँ पे, 2.5 से 3 घंटे हो गए। काम भी तो एवन वाला हो गया, काम भैया ने ऐसे करके दिया है कि 150 वे भी नहीं निकलेगा, ये निकलेगा है भैया अब तो ही निकलेगा, ये बगैर निकाले जब तक निकालने पे नहीं निकलेगा। ये भैया के औजार जवाब देते हुए ये बॉल को साफ करते हुए चलो फाइनली हो गया, अब शुरू होता है पेमेंट मोड। जो बात हुई है पहले पेमेंट कर दूँ भैया को, और भैया कौन कौन से बाइक के साइलेंसर है आप पे? अपने पास सब बाइक के मिल जाएंगे साइलेंसर, बुलेट ना KTM RC सब बाइक के लिए मिल जाएंगे अपने, और सारी मॉडिफिकेशन मिल जाएगी A to Z। भैया पे सिर्फ हेलमेट और जैकेट छोड़ के हर चीज मिलती है बाइक की। ये रही भैया की दुकान, दुकान का नाम है भैया रफ एंड टफ राइडर करोल बाग।
नाईवालन पे, गली नंबर 51। चलो मैं आपको भैया का कॉन्टैक्ट नंबर और कार्ड। यार मेरी बाइक की मॉडिफिकेशन तो हो गई है, ये आपको दुकान नहीं दिख रही होगी, बट ये मॉडिफाइड जोन प्रफ एंड टफ राइडर्स नाईवालन पे है, 51 नंबर गली, दिख जाएगा। ये गोल्डन बाइक्स है ना, गोल्डन बाइक्स के साथ में है टूल्स राइडर, उसके साथ में ही मिलेगी आपको रफ एंड टफ। ये भैया की शक्ल देख लो, दीपक भैया, ये यहीं मिलेंगे आपको 24 घंटे, रात का 1 बजे भी फ़ोन कर देना। अब आवाज़ सुनो बाइक की, न्यूट्रल कर बाइक। सेक्शन कमेंट सेक्शन में बता देना आवाज़ कैसी है। ये बंदा देख रहे हो, ये भी यही काम करता था पहले, इसको निकाल दिया लात मार के इन भैया ने। अब मैं इस बाइक का मालिक हूँ। अभी इस बाइक का मालिक है, किराए पे बाइक लेके मालिक बनाते अपने आपको। बढ़िया, ये मेरा पुराना साइलेंसर, ये जाएगा घर पे, और ये जब लगेगा। कहते भैया इनकी लाइफ वैल्यू क्या होती है? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 2-3 साल चल जाते हैं आराम से। हैं आराम से, बढ़िया। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर, नाम और इनकी जगह बता दूंगा, ठीक है? चलो भैया चलते हैं, मिलते हैं अगली बार। फाइनली करवा लिया है मैंने अपना एग्जॉस्ट चेंज। ये मजदूर है, इसे मैंने किराए पे रखा हुआ है अपने साथ। चलिए, स्टोक एग्जॉस्ट हटाने के बाद ना ये थोड़ी स्पीड अप हो जाती है गाड़ी, क्योंकि जो हमारे जो हमें ये एग्जॉस्ट मिलते हैं साइलेंसर मिलते हैं, मतलब यहाँ से कंपनी से, उसके अंदर ना प्रेशर इनबिल्डर होता है। जैसे हम गाड़ी भगाएंगे ना तो प्रेशर अंदर ही रहेगा, और प्रेशर अंदर रहने के बाद वो गाड़ी पिकअप वो वाला नहीं ले पाती जो हमें चाहिए होता है। और ये होता है साइलेंसर बिल्कुल खुला, पीछे से कोई प्रेशर बिल्ड नहीं होता या कुछ नहीं होता, इसलिए इसका पिकअप हाई हो जाता है। और बहुत लोग सोचते होंगे कि ये बदलवाने के बाद इंजन ख़राब हो जाए, पहले मुझे भी लगता था कि इंजन की लाइफ टाइम वो गारंटी ख़त्म हो जाती है, मतलब कंपनी से ख़त्म हो जाती है, मगर इंजन सही चलता है अपने जैसे चलता है आपका, क्योंकि ये तो एक तरह से बाहर का ना मफलर समझ लो, इसे मफलर कहते हैं, इसे ये मफलर होता है। और अगर आपको लगता है कि इंजन की वो ख़राब होती है तो आप गलत सोचते हो यार बिल्कुल, क्योंकि ना ये जो सबसे बड़ी बात ये होती है जो इंजन से पाइप निकलता है वहाँ, ठीक है, उसके बदलने के बाद, इंजन से पाइप बदलने के बाद ना ये बाहर की तरफ लगता है बिल्कुल, और आप बाहर की तरफ कुछ भी लगाओगे ना तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, आप बाहर कुछ भी लगा सकते हो, या ये वाला एडजस्ट या कोई भी, मगर जो भी लगवाओ यार अपनी सेफ्टी मेजर के साथ लगवाना, मतलब लाइक मेरा मतलब ये है कहने का कि बिना फालतू की पुलिस वालों से पकड़े ना जाओ या कुछ भी ना, क्योंकि मैंने जो ये लगवाया ये नॉर्मल साउंड का है बिल्कुल, इसके पे चलान वलान नहीं कटेगा। तो चलिए फाइनली मैंने एडजस्ट चेंज करा लिया अपनी बाइक का, अब मिलते हैं आपसे सिया, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। Every time we say goodbye, they all see that it's a lie, 'cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times.